नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है, परंतु इस बार पंचांग भेद के कारण व्रत के दिन को लेकर बड़ा असमंजस है। पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि दो दिन है। मोहिनी एकादशी की तिथि 22 मई को शुरू होकर 23 मई 2021 को खत्म हो रही है। ऐसे में एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, इसे लेकर लोगों में अनिर्णय की स्थिति बन गई है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 मई को सुबह 9:30 बजे से है, जो कि अगले दिन यानी 23 मई को सुबह 6:40 बजे तक रहेगी। पंडितों के अनुसार उदय व्यापनी तिथि से ही व्रत रखना उत्तम होता है। ऐसी दशा में एकादशी की तिथि सूर्योदय के समय 23 मई को रहेगी, न कि 22 मई को, इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत 23 मई को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त, तिथि प्रारंभ 22 मई 2021 को 9:15 से, एकादशी तिथि समाप्त 23 मई 2021 को 6:42 पर। पारण का शुभ मुहूर्त 24 मई सुबह 5:26 से सुबह 8:10 तक। पूजा विधि, एकादशी व्रत के दिन सुबह उठें, स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें, उसके बाद पूजा स्थल पर बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा चौकी पर स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, भगवान विष्णु की आरती करके भोग लगाएं। अब मोहिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। विष्णु भगवान के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। उसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त में तुलसी दल खाकर व्रत का पारण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराकर खुद भी भोजन करें।